ट्रीटमेंट था और कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो जैसे मैंने इसमें ज्वाइन किया, मैं डॉक्टर से भी कहते थे हम कि वेंटिलेशन कम करो, इनको जो ना पैरों में भी वीकनेस हो रही थी, नसें वीक हो रही थी इनकी, उनके जो एलो उसमें होम्योपैथिक अलग से ले रहे थे पैरों के लिए, और परेशान इतने होते थे कि मेडिसिन मेरी खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। जैसे खत्म होती थी, मान लो ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी की नौकरी करते हैं, तो वहां से आते थे तो पता चलता कि मेडिसिन खत्म हो रही है, तो रात के 12-12 बजे मिलने वाले के एक मेडिकल है, वो खुलवा खुलवा के मेडिसिन देते थे। और ऐसा होता था कि जैसे पागलपन से हो जाता था दवाई के लिए वो। अब इसमें जैसे मैंने ज्वाइन किया, मैंने इसमें रिजल्ट देखे, मुझे काफी अच्छे लगे, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी इसमें ज्वाइन कराया, और उसे लेते लेते अब उनका यह हुआ है कि वो जो जुनून था मेडिसिन का वो बंद हो गया है, अब ऐसा नहीं करते हैं, और जो वो दवाई है उनकी वो अब 30 दिन लेते हैं, 30 दिन में एक टाइम, और जो वो थी पैरों की वीकनेस थी वो खत्म हो चुकी है, और बीपी हाई रहता था, बीपी हाई भी बंद है, अब नहीं है कोई भी, उसकी मेडिसिन यही नहीं रही है, और काफी रिलीफ मिला है। और मेरे जो है मेरा बेटा, उसकी भी ग्रोथ रुकी हुई थी, मैंने उसको भी ज्वाइन कराया है, वो भी ले रहा है, तो उसकी 4 इंच अब बढ़ी है, 4 इंच जो तो मेरी फैमिली पूरी ले रही है, मेरी फैमिली का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं अपनी हर्बल लाइफ को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सेशन, थैंक यू हर्बल लाइफ, और थैंक यू सारी कोचिजों को, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे चाय जी के लिए। समझिए कितनी सारी प्रॉब्लम थी फैमिली के अंदर, केवल एक अच्छा न्यूट्रिशन कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, दिस इज अमेजिंग। अनामिका शर्मा जी, आपका जो मुझे लेना है, आपने वीडियो कर लिया है, प्लीज एडमिट करेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मुझे इस ग्रुप को जोड़े हुए कुछ अराउंड 15 डेज हो गए हैं। ओके, और एक्चुअली कुछ मैं बहुत अभी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाई हूँ, वो मेरी तरफ से कुछ गलतियां रही हैं, मैं उनको मानती हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग की मेरी जॉब रहती है, तो सुबह मॉर्निंग का शेक मेरा रह जाता है, तो मैं अभी वन टाइम शेक ही ले पा रही हूँ। एक मिनट इस ब्रेक लगाओ, सुबह नाश्ता करते हो? नहीं, सुबह मैं ब्रेकफास्ट ही लेती हूँ। ब्रेकफास्ट लेते हैं? नहीं, क्विट कर रखा है। क्यों? सर मॉर्निंग मतलब ब्रेकफास्ट नहीं होता है, सैलेड वगैरह कुछ मैं अपने वर्क प्लेस पे ले जाती हूँ, तो सैलेड और फ्रूट्स लेती हूँ अराउंड 10:30। मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, वाइस प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भिवाड़ी, तो सुबह का थोड़ा सा रश ज्यादा रहता है, बहुत पीक आवर्स रहते हैं, तो सुबह का मॉर्निंग शेक रह जाता है, बट 10 to 10:30 के बीच में अपनी सैलेड एंड फ्रूट्स लेती हूँ। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, ये अध्यापक ही विद्यार्थियों को बताता है, और आप प्रधान अध्यापक रहे हैं। तो सर मस्तिष्क तो स्वस्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम जस्ट, आई एम नॉट टेलिंग दिस, आई एम टेलिंग इफ यू आर नॉट टेकिंग योर ब्रेकफास्ट दिस इज अ प्रॉब्लम। मॉर्निंग का शेक नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से मैं मान रही हूँ सर, कमिट कर रही हूँ कि मैं गुड रिजल्ट्स नहीं ले पा रही हूँ। छोड़ दो उस बात को, उस बात को भी छोड़ दो, ठीक है, उस बात को भी छोड़ दो मैम, मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ आपको, उसको सुनिए और थोड़ा सा माइंड ओपन करके सुनिए। इफ यू डोंट टेक योर ब्रेकफास्ट योर मेटाबॉलिज्म गेट्स स्लो, और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो केवल वेट के अलावा बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और बॉडी में होती है या आने वाले समय में हो सकती है। तो आप या तो ये कर रहे हैं कि जब प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ जाए तब मैं सुधरूं, या मैं आज से सुधर जाऊं, ये थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। डोंट माइंड इट, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। शेक बनाने में 2 मिनट लगते हैं और शेक पीने में भी 2 ही मिनट लगते हैं, है ना? और आप देखिए ना, आप स्कूल जाते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो आपके समय पर ही स्कूल जाते हैं, नौकरी जाते हैं, वो भी फास्ट काम करते हैं। थोड़ा सा ध्यान अपनी सेहत की तरफ और दीजिए, आपको बहुत जबरदस्त फायदा, ठीक है? प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने सेहत से सबसे ज्यादा प्यार करो, ठीक है? देखिए मेरे को सबको करेक्ट करना होता है, और आप टीचर है, वाइस प्रिंसिपल है, बट मेरा काम आपको करेक्ट करना, चाहे आप कोई भी है, मेरे लिए आप एक क्लाइंट है यहाँ पर, जिसको हमने एक अच्छा रिजल्ट देना, ठीक है ना? तो प्लीज इसको फॉलो करिए, ओके जी। तो थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन अभी हम लोग चलेंगे हमारे आज के मास्टर शेफ क्लास की तरफ, और तृप्ता शर्मा जी रेडी है आज के मास्टर शेफ क्लास के लिए। तृप्ता शर्मा जी, हाँ जी, यस। तो आज वो बनाने वाले हैं एक डिश आपके लिए जो हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी, तो आप लोगों ने ध्यान से समझना है। डोसा किस किस को पसंद है? शायद वो डोसा ही बनाने वाले ना, यस। चलो तो तृप्ता जी आप एडमिट कर सकते हैं, और प्लीज प्रेजेंट योर मास्टर शेफ क्लास, ओवर टू यू मैडम। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते।
आपका मास्टर शेफ क्लास में स्वागत है। और अपनी रेसिपी बताने से पहले आज मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम तृप्ता शर्मा, इंदिरापुरम गाजियाबाद से हूँ और मैंने अभी हाल ही में एक ही महीना हुआ है क्लास को ज्वाइन किए हुए। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ और मेरे जीजाजी हैं तृप्ति एंड रोहितास भारद्वाज जी, उनका जब अमेजिंग रिजल्ट देखा तो मेरे को भी लगा कि मुझे भी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए और अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए। इस एक महीने में मेरे 3 किलो वेट रिड्यूस हुआ है और 2 इंचेस लॉस हुए हैं। साथ ही मेरे बेटे के भी, जो कि 10 साल का है, उसके भी 3 किलो वेट और 2 इंचेस लॉस हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, आज मैं डोसे की रेसिपी की बता रही हूँ आपको। ये डोसा दाल और चावल का नहीं है, आज मैं आपको डोसा बता रही हूँ जो कि दाल चावल का नहीं है। बहुत ही न्यूट्रिशियस है और बहुत ही हेल्दी है। सूजी, सोयाबीन का आटा और दही, सिर्फ इन 3 चीजों का मिक्स करके हम आज अपना डोसा बनाएंगे। तो मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम 1 कटोरी सूजी लेंगे। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है, मोटी सूजी भी ले सकते हैं लेकिन बारीक सूजी से ज्यादा अच्छा बनेगा। इसमें 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा सोयाबीन का आटा लिया है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है सोयाबीन फ्लोर के नाम से, सोयाबीन। अब हम इसमें 1/2 कटोरी दही लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम इसमें जीरा डालेंगे। अब हम इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन का आटा बहुत ही हेल्दी होता है हमारे लिए, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है और इसमें फाइबर, ये फाइबर रिच फूड भी है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। जब इसका फाइन पेस्ट बन जाएगा तो हम इसको सूजी को सॉफ्ट होने के लिए 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब तक हम इसको रेस्ट देते हैं 15 मिनट के लिए, इसकी कंसिस्टेंसी अभी, क्योंकि सूजी जो थोड़ा है वो सॉफ्ट होगी, तो हम इसकी कंसिस्टेंसी अभी हमने इतनी ही रखी है। इसको थोड़ा सा अभी थोड़ी देर में पानी डाल के अपने हिसाब से कर लेंगे। जब तक हमारा ये हो रहा है, तब तक हम इसके अंदर की फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग भी मैंने प्योर वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल्स का बनाया है। इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल, 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अदरवाइज इंस्टेंट बनाना है तो हम इसमें इनो का या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा पक गया है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। और ये मैंने कुछ वेजीज काट के रखी हुई है, मिक्स वेजीज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, आपका पनीर है, प्याज है, पत्ता गोभी है और कॉर्न्स है। इनसे हम अपनी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग के लिए हम चाहे तो आलू की फिलिंग भी रख सकते हैं सिंपल, या बच्चों को जैसे कभी पनीर की फिलिंग पसंद आती है हम वो भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे। जब तक हमारा प्याज थोड़ा सा भूनता है, ये मैंने पहले से अपना बैटर रेडी किया हुआ है, जिसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है डोसे के जैसे। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच के आसपास बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ ताकि इसकी ये फूला फूला और सॉफ्ट बने। ये डोसा मैं नॉनस्टिक पैन पे बना रही हूँ, इसलिए इसमें ऑयल की मात्रा हमें बहुत ही कम चाहिए। हमारा तवा गर्म हो चुका है एंड देन स्प्रेड लाइक अ डोसा।
कि सुनो आज पे हल्का हल्का से पकने देंगे। इधर हमारी ये प्याज तैयार हो गई है, अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जैसे धनिया, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी सी मिर्च अपने हिसाब से और थोड़ा सा नमक, नमक भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। इसको चलाने के बाद हम इसमें पनीर को छोड़ के बाकी सारी सब्जियां डालेंगे और इनको हल्का सा सॉटे कर लेंगे। मैडम आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। पहले से थोड़ी सी इसकी फिटिंग लगा के रखी हुई है, जो कुछ इस तरह से मैच की रही है तो हम इसमें पनीर ऐड कर लेते हैं।